नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राणा प्रताप रॉय, आपका दोस्त। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स बाय राणा प्रताप रॉय, यानी कि मैं। दोस्तों आज के वीडियो का टॉपिक है जीरोडॉल पी टैबलेट। जीरोडॉल पी टैबलेट जो कि इप्का लेबोरेटरीज लिमिटेड का एक प्रोडक्ट है और भारत में किसी भी मेडिकल स्टोर पर इसको आप आसानी से खरीद सकते हैं बिना डॉक्टर के पर्चे के भी। हालांकि इसका इस्तेमाल कभी भी बिना डॉक्टर की सलाह से नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक पेन किलर मेडिसिन तो है लेकिन इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी है और अलग अलग दर्द में ही अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ फ़ायदा करती है। जीरोडॉल पी टैबलेट कौन से मामले में ज़्यादा फ़ायदा करती है उसी के बारे में आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ज़्यादा खास है इसलिए अंत तक बने रहिए, और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, और प्लीज़ ऑल पे प्रेस करना ताकि इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों जो जीरोडॉल पी टैबलेट है इसके अंदर पाया जाता है एसिक्लोफेनाक और पैरासीटामल। इसके अंदर एसिक्लोफेनाक 100 mg और पैरासीटामल के 325 mg के रूप में मिलता है ये, और एक कम्बिनेशन मेडिसिन होने की वजह से दर्द के लिए बहुत अच्छा मेडिसिन है ये। इसका इस्तेमाल किसी भी प्रकार का दर्द और बुखार में किया जाता है, और इसका जो है खास प्रभाव जो देखा जाता है वो सिर के दर्द में भी किया जाता है, गर्दन से संबंधित दर्द में किया जाता है, रीढ़ से संबंधित किसी प्रकार का दर्द हो, चाहे चोट की वजह से हो या किसी प्रकार का नस के दबने से हो या फिर किसी अन्य कारणों से रीढ़ में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, कमर के नीचे की हड्डियों में दर्द हो रहा है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, MC का दर्द है, पथरी से संबंधित कोई दर्द है, पेशाब की नली से संबंधित कोई दर्द है, पेशाब करने में बहुत जलन और दर्द के का अनुभव होता है, तो उस समय भी जो एसिक्लोफेनाक पैरासीटामल का कम्बिनेशन है ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। ये दोनों ही मेडिसिन जो है एनसाइड मेडिसिन है, और एनसाइड का मतलब होता है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, और ये किसी भी प्रकार के मरीज को दिया जा सकता है, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, बुजुर्ग हो, कोई भी इसका इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन इसका इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो का बनाने का उद्देश्य है आपको इसके बारे में बेसिक जानकारी देना कि किस प्रकार से फ़ायदा करती है और क्या साइड इफ़ेक्ट है और क्या डोज है। अगर इसकी डोज की बात की जाए तो इसका एक टैबलेट सुबह शाम या सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम लिया जा सकता है। इसको हमेशा भोजन के बाद ही लेना चाहिए, वरना इससे अनावश्यक गैस अपच हो सकता है। अगर इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो गैस अपच, उल्टी उबकाई, बॉडी पर रैशेस, पेट में दर्द, दस्त आदि ये सब परेशानी हो सकती है। अगर इस प्रकार की कोई समस्या हो तो एंटासिड आदि लेने से या फिर दवा को छोड़ने से या पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से ये सब सही हो जाता है। आप खाना खाने के बाद ही इसको लीजिए, भोजन के बाद ही लीजिए इसको, लेकिन साथ में आप कोई एंटासिड का इस्तेमाल ज़रूर करिए, जो भी आपके डॉक्टर बताए। अगर आप किसी प्रकार के क्रॉनिक बीमारी से जूझ रहे हैं और अन्य मेडिसिन ले रहे हैं तो उस समय डॉक्टर से पूछ कर ही आप इस टैबलेट का इस्तेमाल करें। अगर आपको कोई बीमारी नहीं है, मामूली चोट लगने से या फिर किसी प्रकार के अन्य वजह से पैरों में, जोड़ों में, गर्दन में थोड़ा बहुत दर्द होता है तो ये आपके लिए बहुत काम की दवाई है। आपके पीठ में या फिर कमर में, ख़ास तौर से कमर में आपके पेड़ों के पीछे के भाग में किसी भी प्रकार का दर्द हो तो उसमें ये रामबाण की तरह काम करेगा। तो ये जो टैबलेट है इसके बारे में जो भी मैंने जानकारी दी है आपको समझ में आ गई होगी, और इसके बारे में कोई और प्रश्न है आपके मन में तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने का पूरा प्रयास करूँगा। और आपके साथ में कोई और साइड इफ़ेक्ट आदि नज़र आता है, कोई जो मैंने बताया है उसके अलावा भी कोई और साइड इफ़ेक्ट आपको दिखता है, कोई परेशानी होती है तो आप जो है मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आपके नज़दीक के जो डॉक्टर हैं उनसे मिल करके आप उसका समाधान कर सकते हैं। इसका हालांकि कोई खास कोई गंभीर साइड इफ़ेक्ट होता नहीं है, लेकिन फिर भी डॉक्टर से पूछ करके ही आप इसका इस्तेमाल करें।
कोई भी दवाई लेने से पहले या फिर जो जीरोडॉल पी टैबलेट उसको लेने से पहले भी आप डॉक्टर की सलाह लेके उनसे नियमित परीक्षण करा के ही आप इस टैबलेट का इस्तेमाल करें। बिना डॉक्टर की सलाह से आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, जीरोडॉल पी टैबलेट के बारे में संक्षेप में जो भी मैंने जानकारी दी है आपको अच्छी लगी होगी, और ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हमारा वीडियो, हमारी जानकारी, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना दोस्तों में, और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, और प्लीज़ ऑल पे प्रेस करना ताकि इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों, इसी कामना के साथ कि आप सभी स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।